हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुसियास्टिक राइडर। आज मैं जा रहा हूँ भिलाई से नागपुर, एक्चुअली यवतमाल जा रहा हूँ। यवतमाल नागपुर से करीबन 2 घंटा लगता है, 2 से 2.5 घंटा लगता है, बट अपन 2 से 2 घंटे में कवर कर लेते हैं ऑलमोस्ट। यवतमाल से मुझे अपने सिस्टर और भांजे को लेके नागपुर आना है। नागपुर में फिर अपने सिस्टर, मम्मी और 3 बच्चे हैं, बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर के, उनको लेकर फिर भिलाई रिटर्न आना है। तो नितिन गडकरी जी रायपुर आए थे छत्तीसगढ़, तो उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि जो भंडारा में बाईपास बनने का परमिशन मिल गया है उनको, काफी टाइम से अटका हुआ था, उन्होंने भी माना उस चीज को, और अब परमिशन मिल गया है बाईपास का। तो अब देखते हैं कब तक काम चालू होता है और सिटी के अंदर से बनता है या फिर कहीं बाईपास निकलता है। तो उसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन भंडारा वाला रोड अभी कितना हेक्टिक है, वहां से निकलना कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो वो मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा। और जो सागोली और लाखनी वाला ब्रिज है वो बन गया है, उसी भाषण में नितिन गडकरी जी ने बोला था कि बन गया है, वो आए थे पिछले लास्ट वीक ही आए थे। तो देखते हैं क्या कंडीशन है। इधर जंगल है ये, ऐसा लग रहा है रोड चौड़ा हो रहा है, बट यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज। बट ये चीज समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे ओवर ब्रिज, ये यहाँ पर ये ओवर ब्रिज बनाने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गांव कटता है ना कुछ है, पता नहीं क्या रीजन है। ये लोग बनेगा उसके बाद ही पता चलेगा, ना इस पर ट्रैफिक रहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। कंस्ट्रक्शन, ये ब्रिज बनने का रीजन क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है एनिमल पास के लिए ये बन रहा हो, ये चीज हो सकती है, बट ये रोड भी चौड़ा आ रहा है। ये हो सकता है ये कंस्ट्रक्शन चालू होगा फिर चौड़े रोड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये चौड़ा कर रहे हो फिलहाल रोड। बाकी मुझे तो ये एक एनिमल पास के लिए ही ये ब्रिज बनाया जा रहा है ऐसा लग रहा है। नीचे से एनिमल पास होंगे और ऊपर से ये ब्रिज बनेगा, बाकी अब देखते हैं आगे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता था ये वाला एरिया, और ये मेरा डैश कैम बोला कोल्यूशन, शायद उसका हाई लेवल पे है इसलिए छोटे से उसमें उसने इमरजेंसी रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन है, ये इधर चल रहा है, और ये पहले सिंगल पैच था, अभी भी सिंगल ही है, लेकिन पूरे झाड़ वाड़ सब काट दिए हैं। नेसेसरी भी था वैसे, झाड़ काटना वर्थ इट है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे और यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता था, और इसका काम चालू है। अब आगे जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो साकोली या लाखनी पड़ेगा पहले, तो उसके ब्रिज का काम चालू हो गया है, चालू हो गया बोल रहा हूँ, कंप्लीट हो गया है। और वो ब्रिज अभी चालू हुआ या नहीं हुआ, उस पर से ट्रैफिक ऑन हुआ या नहीं हुआ, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग को पूरा अपडेट देते रहूँगा इस रोड का। और यवतमाल जाना है जैसे मुझे, तो समृद्धि महामार्ग भी कटता है उस रास्ते से,
जो नागपुर टू मुंबई बन रहा है, तो वो वाला भी मैं आप लोग को ओवरब्रिज दिखा दूंगा। काफी टाइम पहले काम चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है वाला पैच, तो उसको भी मैं आप लोग को एक बार दिखा दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को आगे का अपडेट देता हूँ। ये वाला जो है ये सेकंड पैच है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जिसको क्लियरेशन नहीं मिल रहा था और अभी मिला है, और यहाँ पे भी काम चालू है, पूरा काम चालू है। बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी भिलाई से नागपुर का जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है, और मुझे अराउंड 3.5 घंटे के आसपास लगता है भिलाई से नागपुर पहुंचने में हमेशा। सॉरी, जिसमें कि ये पैच और जो साकोली और लाखनी में जो ब्रिज बन रहा था वो, और भंडारा, इन सब जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था। तो जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि 3 घंटे में, अगर अच्छे खासी स्पीड से अगर मैं चलूं, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी ऑब्वियसली, रोड चौड़े बनेंगे, देख लीजिए काफ़ी चौड़ा बन रहा है, और कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, फिर मुझे लगता है 3 घंटे ऑलमोस्ट सिर्फ लगेगा भिलाई से नागपुर पहुंचने में, 250 किलोमीटर कवर करने में, क्योंकि रोड की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। बीच में ख़राब था बारिश के टाइम में, बट अभी काफ़ी अच्छा हो गया। अब देखते हैं, अभी बारिश आने वाली है कुछ महीनों में, उसके बाद फिर रोड का क्या हाल होता है, बाकी अभी वो बाद में, वो क्योंकि नागपुर के ट्रिप्स तो होते रहते हैं मेरे, हर 2 महीने में एक ट्रिप होता रहता है, तो उस टाइम की अपडेट उस टाइम मैं दूंगा आप लोग को। तो ये है वो ब्रिज, अभी जो फर्स्ट वाला ब्रिज जो पड़ता है, मैंने आप लोग को बताया था रेलवे क्रॉसिंग वाला, तो अभी इसका काम चालू ही है, और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा चालू होने में, क्योंकि अभी इसका बहुत काम बाकी है, और सेंटर मेरे ख्याल में जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो सेट करना रहता है वो अभी तक सेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसका भी अभी देखते हैं। नहीं, रेलवे ट्रैक के ऊपर वाला जो ये सेक्शन है, इसका पूरा काम अभी बचा हुआ है, तो काफ़ी टाइम लगेगा अभी इसको कंप्लीट होने में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जो फर्स्ट वाला ब्रिज, जो मैं आप लोग को काफ़ी टाइम से जिसके बारे में बताते हुए चल रहा हूँ, ये वो ब्रिज है, और फाइनली ये ब्रिज चालू हो गया है, और ये है मेरे ख्याल में साकोली, साकोली फर्स्ट पड़ता है, तो ये साकोली वाला ब्रिज है और ये चालू हो गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम इस ब्रिज से जाते हुए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में हम क्या बोले, उसके ऊपर रोड कंडीशन काफ़ी अच्छा है, अभी नया है, और ये नज़ारा ऊपर से, इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये फर्स्ट ब्रिज तो चालू हो गया है, और ऑब्वियसली इसमें जो ट्रैफिक में काफ़ी टाइम लगता था, जब ब्रिज नहीं बना था काम भी नहीं चल रहा था, तो नीचे सकरा सा रोड था, मार्केट था, तो लोग रोड क्रॉस करते थे और काफ़ी तकलीफ होती थी, काफ़ी रुकना पड़ता था, मतलब धीरे जाना पड़ता था, और अब ये ब्रिज कम्प्लीट हो गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्मूथली निकल जा रहे हैं। मेरा जो मोटिव था आप लोग को भिलाई टू नागपुर का रोड आप लोग को दिखाना, पूरा यवतमाल तक का दिखाऊंगा मेन जो है, बट नागपुर ज़्यादा लोग जाते हैं तो नागपुर तक का, नागपुर फेमस जगह भी है, तो नागपुर तक का आप लोग को दिखाऊंगा, और जो समृद्धि महामार्ग है नागपुर टू मुंबई जो एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसका आप लोग को मैं
वीडियो दिखाऊंगा। और ये तत्व रुकना ब्रिज के ऊपर चालू हो गए हैं, असामाजिक तत्व जिनको बोलते हैं। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, काफी लंबा ब्रिज है। करीबन नीचे जब जाते तो करीबन 72 पिलर्स है मेरे ख्याल में इसमें, और यहाँ से अब डाउनवर्ड चालू, और ये ब्रिज अब खत्म होने वाला है। तो अब चलते हैं आगे, और नेक्स्ट वाला ब्रिज जो है वो आप लोग को दिखाता हूँ। ये है लाखनी का ब्रिज, और पहले ये साइड से, इधर साइड से डायवर्शन था, बट अब ये ब्रिज चालू हो गया है। और ये भी काफी चौड़ा ब्रिज है, नाइस। ये ब्रिज भी काफी लंबा है, इसमें भी 70 से ज्यादा पिलर्स यूज हुए हैं, नंबर्स ऑफ पिलर्स। और इस ब्रिज की भी लेंथ काफी अच्छी है, स्पीड 80 की, जैसा कि आपने अभी बोट देखा होगा, 80 की स्पीड मेंटेन करते हुए चलना है। तो चल रहे हैं हम लोग 80 की स्पीड मेंटेन करते हुए। ये लास्ट वाला ब्रिज है, इसके बाद सीधे मैं आप लोग को नागपुर क्रॉस करने के बाद, सॉरी भंडारा वाला एक बार आप लोग को रोड दिखाऊंगा कि भंडारा वाला रोड अभी कैसा है, और बाईपास का काम अभी तो खैर चालू नहीं हुआ है, बट चालू होगा, नितिन गडकरी जी ने बोल दिया है तो चालू तो होगा ही। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो वो नहीं बोलते वो भी वो कर ही देते हैं। और माइलेज जो अभी मेरी गाड़ी दिखा रही है वो 22, और डिस्टेंस 910 का, 910 किलोमीटर और चल सकती है, फुल टैंक, ऑलमोस्ट फुल टैंक ही है अभी। ब्रिज अभी भी चल रहा है, ब्रिज अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वाला ब्रिज पिछले ब्रिज से शायद थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, इसमें 100 के आसपास पिलर्स होंगे। तो भिलाई से नागपुर जाते टाइम जो जो पहले प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स इन द सेंस जहाँ परेशानी आती थी ड्राइव करने में, वो ये एक तो दो ब्रिज थे जिसका काम चल रहा था, और पहले भी इस रोड पे काफी ट्रैफिक रहता था, सगरा रोड था, दोनों तरफ मार्केट था, तो और लोग बीच में से कहीं पे भी गाड़ी घुसा देते थे, तो तकलीफ जाती थी, धीरे चलना पड़ता था। आप देखने देखा होगा कि स्मूथली मैंने क्रॉस कर लिया 80 की स्पीड में, और जो पैचेस थे वो तीनों पैचेस मैंने आप लोग को दिखा दिए, उसका भी काम चालू है, उसका भी काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा मतलब वो रोड। और नागपुर जाने में फिर बहुत कम टाइम लगेगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया है अभी 3.5 घंटे के आसपास लगता है, तो 250 किलोमीटर कवर करने में 3 घंटे से भी कम टाइम लगेगा अगर अच्छी स्पीड में चलें तो। बस ट्रैफिक इस रोड पर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुंबई हावड़ा रोड है, और बाइक वाले बहुत ज़्यादा इस रोड पर सफ़र करते हैं, जो कि हाईवे के बीच में चलते हैं, तो उनके कारण काफ़ी तकलीफ होती है। किसी तरह कोई सर्विस रोड नहीं है, तो वो रोड पे ही आ जाते हैं, और ट्रक्स भी काफ़ी चलते हैं इस रोड पे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, हैवी ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। तो चलते हैं आगे, भंडारा पहुंचने में है, भंडारा पहुंच के मैं आप लोग को एक बार भंडारा की अभी कंडीशन क्या है वो आप लोग को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद नागपुर क्रॉस करके यवतमाल वाले रोड पे चलेंगे। भंडारा के लिए जो सिंगल रोड पड़ता है उस रोड पे हम लोग घुस गए हैं, और यहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे काम चालू हो गया है। ये जो सेक्शन देख रहे हो आप बगल में, ये वाला, ये बगल में, तो काम तो चालू हो गया है। तो अब मेरे ख्याल में भंडारा के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि भंडारा क्रॉस करने में पहले बहुत ज़्यादा टाइम
सबसे ज्यादा टाइम यहीं पे खा जाता था क्योंकि ट्रैफिक इस रोड पे अभी आप जो देख रहे हो इससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, और आगे सिटी जब पड़ती है तो सिटी में तो माशाल्लाह हालत खराब हो जाती है ट्रैफिक के कारण। और काम चालू है कंस्ट्रक्शन का, जैसे कि देख रहे हो आप ये ट्रक माल पलटा रहा है। तो ये वाला जो ब्रिज आप लोग देख रहे हो मेरे सामने, ये समृद्धि महामार्ग वाला एक्सप्रेसवे जो इस वर्धा रोड के ऊपर जाता है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। बाकी ब्रिज का काम पूरा हो गया है और काफी बड़ा और काफी चौड़ा ब्रिज है, दोनों ब्रिज काफी चौड़े हैं। और ये है समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे। जो आपको मुझे रोड दिखाना था वो रोड का वीडियो मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ, जो जो सिचुएशंस जो जो कंडीशंस थी और जो जो फेसेस वर्क के जो चल रहे थे वो सारे मैंने आप लोग को दिखा दिए हैं। तो अब मैं चलता हूँ अपने सिस्टर के घर पे, और पॉसिबल होगा तो फिर रिटर्न में मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ शॉर्ट्स डाल दूंगा रिटर्न के। और अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। जाने से पहले आप लोग को एक ही चीज बोलूंगा, वियर सीट बेल्ट एंड ड्राइव सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब, एंथुजियास्टिक राइडर।